पूरी गुम्बद को लाइटों से सजा देना, पैसों की फिक्र मत करना, रात में तारों की तरह चमकना चाहिए। ठीक है इमाम साहब। अरे इमाम साहब, किस लिए इतनी सजावट चल रही है? मस्जिद में कोई प्रोग्राम है क्या? भाई 12 रबीउल अव्वल आ रहा है ना, तो इसलिए सजावट चल रही है। 12 रबीउल अव्वल? लेकिन इमाम साहब आपको तो पता होना चाहिए ये सब बिदअत है। भाई 12 रबीउल अव्वल के दिन तो हमारे नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। अर्श से लेकर फर्श तक सब लोग खुशियां मना रहे थे। रहमतों की बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, पूरे तराना पड़ रही थी, अंबिया खुशियां मना रहे थे। हमारे नबी तो 12 रबीउल अव्वल के दिन अपनी विलादत का खुद रोजा रखा करते थे। और मेरे भाई, अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान में फरमाया है कि अल्लाह की दी हुई रहमत और फजल पर खुशी करे, वो सब धन दौलत से बेहतर है। इमाम साहब, हमारे नबी सबसे बड़ी रहमत कैसे हुए? मेरे भाई, ये भी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत है। जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने पूरी ये कायनात बनाई, उनकी विलादत पे खुशियां मनाना कैसे बिदअत हो सकता है? इमाम साहब, मैं अपनी बात पे शर्मिंदा हूँ, आज से मैं भी ईद मिलादुन्नबी मनाऊंगा। Jesus.